ओम शांति आज नाइन्थ जनवरी 2022 हम सुन रहे हैं प्रातो अभ्यक्तो बाप दादा का महावाक्य आज का महावाक्य आज के मुरली इस महावाक्यो बाबा ने पहली बार चलाई थे 21 दिसंबर 1989 में आज फिर से हम रिवाइज सुन रहे हैं आज का महावाक्यो का टाइटल है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति बाबा को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है त्रिदेव भी कहा जाता त्रिदेव का रचयिता भी कहा जाता ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है बाबा बाप टीचर सदगुरु हैं दाता बरदाता विधाता भी हैं ये सब हम बच्चों के लिए हैं बाबा ये सब अमानत हम बच्चों के लिए रखते हैं बहुत अनुभव से हम आज मुरली को हम सुनेंगे धारण करेंगे आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं दोनों रचना अति प्रिय हैं इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं रचना सदा योग खुशी के गीत गाते हैं रचता और रचना द्वारा रचता द्वारा योग गीत गाते हैं वाह मेरी रचना तो रचता भी खुश रचना भी खुश तो रचना प्रिय है ना जो प्रिय होता है तो उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं संसार में भी हम देखते हैं एक लोटा बेटा है तो उसके लिए सारी संसार छोड़ के जाते हैं तो बाबा भी हमें सभी बच्चों को लाखों लाखों करोड़ करोड़ बच्चा होते हुए भी बाबा हम सबको बहुत प्यार करते हैं तो बाप को बच्चों की कौमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा सुबह संकल्प रहता है बाबा कहते हैं तो बाबा का बच्चों का कौमी तो बाबा देख नहीं सकते हैं प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती है कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो संसार के बहुत सारे ऐसा कर्तव्य हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं क्यों क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो ये स्पेशल जीवन बाबा ने हम सबको दिया है जो हम तो शूद्रो से ब्राह्मण बन चुके हैं वर्षा भी है पराई भी है और वरदान भी है जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो ऐसे प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है बाबा क्लियर बता देते हैं मेहनत नहीं करो प्यार करो कभी वर्षे के रूप में बा बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा बारेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं हम इस भाग्यों का नशा रहेगा नशा चढ़ती रहेगा सदगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है तो ये हमारा कदम भी तो जमीन पर नहीं पड़ते हैं इतना हमें जीवन आसान हो जाता है तो हर कर्मों में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है तो कर्म भी हमारा श्रेष्ठ हो जाता है जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्मों की सफलता का वरदान सहज सतो और अवश्य प्राप्त होता है इसमें कोई संशय नहीं कोई संदेह नहीं सदगुरु की मौत श्रेष्ठ गोति को प्राप्त कराती है श्रेष्ठ गोति के लिए सारा दुनिया का लोग भक्त तो लोग कितना चिल्लाते हैं गोति सदगोति को प्राप्त कराती है ना तो श्रेष्ठ मौत और श्रेष्ठ गोति अपने स्वीट होम अर्थात गोति और स्वीट राज्य अर्थात सदगोति इसको तो प्राप्त करती ही हो इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गोति प्राप्त होती है बाबा कहते हैं दुनिया वाले चिल्लाते हैं तो हमें बाबा निश्चिंत बना देते हैं तो वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्मों का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता जो ब्राह्मण बनते हैं बाबा का प्रिय बनते हैं यो श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त हैं इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत इस समय हमें सहज जीवन मिल जाता है मत मिल जाता है हमारा गति अवश्य अच्छा मिल जाए है हम ये दुनिया में रहते हुए ये संगम पर रहते हुए हम अनुभव से अनुभवी बन जाता है दुनिया वाले लोग तो समझते हैं मरने के बाद गोती मिलेगी इसलिए अंतो मोती सो गोती कहते हैं लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीबा जन्मों में हर कर्मों की सफलता का फल अर्थात गोति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है इतना श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हम सब है ना वर्तमान और भविष्य सदा गोती सदगोती है ही है ये बाबा गारंटी देकर के हमें कहते हैं भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व तो है ना संगम युग मिला है ब्राह्मण हो चुके हो बाबा का बन गई हो यह प्राप्ति ही प्राप्ति है सफलता ही सफलता है अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो बाबा कहते इतना आसन जीवन होगा ना इसको कहते हैं एक हाथ से दो एक हाथ से लो कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा तो यो दिलासा का सौदा नहीं है बाबा कहते ये अनिश्चित का जीवन तुम्हारा नहीं है भक्त का भक्त के लिए वो जीवन है मिल भी मिलते भी मिलता भी है नहीं भी मिलता है तो इसीलिए बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं तुरंत दान महापुण्य ऐसे प्राप्ति तुम ब्राह्मण को है इसको कहते हैं झटपट का सौदा इसी समय संगम पर बाबा आया ब्रह्मतन में घुसा और हम सब में भाग्य बना लिया बाबा को पहचान लिया तो अपने भाग्यो के लिए तो ये अगले भाग्यों के लिए हम सौदा कर लिया भक्ति में इंतजार करते रहो मिल जाएगा मिल जाएगा प्रभु आ जाएगा किसी ना किसी रूप में आएगा भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो में आया हो तुम्हारा बाप हो तुम्हारा टीचर हो तुम्हारा सदगुरु हो आदि स्थापना भी में भी आपकी तो प्रसिद्धता थी ना कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है तो पहले पहले 1936-7 में तो ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था लेकिन ये तो ये प्रचार जरूर था तो ये दादा लेक का और मंडोली में जाओ झटपट साक्षात्कार हो जाएगा तो माता लोग बहन लोग दौड़ 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 के भाग भाग करके जाती थी तो और होता भी था सबको बाबा खुश कर देता था तो आदि से झटपट का सौदा हुआ ना, तो अभी भी बाबा कहते हैं इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार ये कैसे संभव है ये प्यार होने से ही संभव है सारे कल्पों में ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में प्यार भले तो लोगों का लोगों से है तो बहुतों का बहुतों का है लेकिन ऐसा प्यार निराला प्यार है कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति न ऐसा प्यार कोई तो हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहो माता जब बाबा इतना खोला भंडार खोल दिया है तो बच्चे क्यों मेहनत करते हैं बाबा को रह आता है वरदानी सदा वर्षा के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं बाबा कहे वरदान तुम्हें मिल चुका है तुम्हें वर्षे के अधिकारी हो तुम मेहनत क्यों करते हो भाग्य विदाता शिक्षक के भाग्योवन बच्चे सदा पाँव सुद अनार होते हैं हो ना ना फेल होते हैं ना कोई बैठो बात फील करते हैं बाबा कहते हैं ये हमारे ब्राह्मण जीवन का एक बहुत बड़ा गारंटी है हम कभी ना फेल होते ना कोई व्यर्थ बात हम फील करते हैं सारा दुनिया में तो ये इसका ही तो चर्चा चल रहा है तो एक तो कोई फेल हो जाता है नहीं तो फील करते हैं तो मेहनत करने का कारण ही दो होता है ना माया तो या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाता है नहीं तो संबंधों संपर्क हो चाहे ब्राह्मणों का हो चाहे अज्ञानियों का हो दोनों संबंधों में कर्मों में आते छोटी छोटी बातों में व्यर्थों फील कर देते हैं तो इसको आप क्या कहते हो बाबा बहुत सुंदर तुलना देते हैं आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो ना फ्लू क्या करता है एक तो शेकिंग होती है फ्लू आने से तो ये शरीर का एक झटका लगता है शेकिंग होता है उसमें शरीर हिलता है और यहाँ यह आत्मा की स्थिति हिलती है ये शरीर का फ्लो होने से शरीर हिलता है आत्मा में फ्लो होने से आत्मा हिलती है मन हिलता है और उस उस फ्लो में मुख कुरुआ हो जाता है और यहाँ आत्मा का फ्लो होने से मुख से कुरुआ बोल निकालते हैं और क्या होता है कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है शरीर का अस्थिरता बढ़ जाता है यहाँ भी जब फीलिंग आती है ना तो अंदर जोश आता है गर्मी चढ़ती है इसने योग क्यों कहा तो यो क्यों किया तो फलाना ने योग कहना ठीक नहीं है तो यो जोश है ना तो अनुभवी तो हो ना आप शरीर का भी हो आत्मा का भी कोई भी ये दोनों प्रकार का अनुभवी आप हो और क्या होता है और बाबा कहते हैं खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता खाना है घर में लेकिन खाने के लिए मन नहीं करता तो यह भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे ना जब आत्मा में फील होता है आत्मा माया का द्वारा फेल हो जाता है तो आत्मा को कितना भी ज्ञान सुनाऊँ तो उसको सुनना अच्छा नहीं लगता आखिर रिजल्ट क्या होता है इतना कुछ होने का बाद शेकिंग से तो लेकर के खाने का कोई मन नहीं होता ज्ञान खाने का कोई रुचि नहीं होता तो धीरे धीरे आत्मा कमजोर होता है तो वह धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाता है यह भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है इसलिए ना फेल हो ना फील करो आज दो अंडरलाइन करने का बात बाबा हमें समझाते हैं बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं बेचे शुद्ध फीलिंग रहे तुम्हारा मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटो में कोई आत्मा हो मैं देव आत्मा हूं महान आत्मा हो ब्राह्मण आत्मा हो विशेष पारधरी आत्मा हो अपने को झाको अपने को बहुत बरकत करो तो मैं कौन हूँ मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हो ये भिन्न भिन्न समान में तो समान में टिको और अपने को बढ़ावा करते रहो इस फीलिंग में रहने वालों को बैठो फीलिंग का फ्लो नहीं होगा बाबा इसका दवाई भी दे दिया तो ये फीलिंग में रहने से समान में रहने से बैठो फीलिंग आएगा नहीं फ्लू आएगा नहीं इस शुद्ध फीलिंग में रहो जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकता बाबा कहते हैं तो बच्चों को छोटे बच्चों को क्या होता है मिट्टी से खेलता है तो माँ बाप क्या करते हैं खिलौना करके हाथ में पकड़ा देते हैं तो ये मिट्टी को छोड़ देते हैं तो यह भी बाबा हमें अशुद्ध चीज को छुड़ा देते हैं शुद्ध चीज को अपना देते हैं तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे हम वरदानों से पल रहे हैं वरदानों से आगे उड़ रहे हैं वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं तो हम कितना लाकिस्ट तो कितना हम हाइएस्ट होलीस्ट आत्मा अपने को फील करेंगे मेहनत अच्छी लगती हैं या मेहनत की आदत पक्की हो गई है क्योंकि त्रिषट्ठ जन्म माया ने हमें बहुत चक्री लगाया है बहुत मेहनत कराया है मेहनत अच्छी लगती व मौज में रहना अच्छा लगता कोई कोई को मेहनत का काम वगैरह कोई अच्छा नहीं लगता उनको कुर्सी पर आराम से बैठने को दो तो वो कहेंगे हमें मेहनत का काम दो हमें अच्छा नहीं लगता आराम हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि तो ये तो ये मेहनत करने का उनको हैबिट हो गया ये तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा त्रिशुट जन्म मेहनत कर थक गई है ये बाबा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस देते हैं हमारा तो ये माया हमें क्या कर दिया है त्रिशूट जन्म ढूंढते रहे ना किसको ढूंढते में किसको ढूंढने में मेहनत तो लगेगा ना ये मनुष्य को ढूंढो भगवान को ढूंढो शांति को ढूंढो तो खुशी को ढूंढो तो ये ढूंढते ढूंढते तुम थकावट में आ गई हो तो थके हुए पहली ही हो तो ये पहला आज नया नहीं हो त्रिशठ ज्रिष्ट जन्मो मेहनत कर चुके हो अब एक जन्म तो मौज में रहो ना बाबा कहते जब मेरी बन गई हो एकुर्जन्म तो भविष्य की बात है सत्ययुक्त त्रेता में तो तुम्हें एकुर्जन्म सुख भोगना है वो तो बात का बात है लेकिन यो एक जन्म तुम्हारा विशेष है जब भगवान का तुम बच्चे बन गई हो मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो ना तो भविष्य में तो वहाँ यो सब बातें भूल जाएंगे भविष्य में ज्ञान नहीं रहेगा अभी तो तुम समझ समझदार बन गए हो ना अभी तो तुम जानते हो सत्ययोग में सब कुछ मिलेगा बाबा नहीं मिलेगा संपदा मिलेगा बाबा नहीं मिलेगा मजा तो अभी है जब बाबा है बाबा का शिक्षा है बाबा का प्यार है दूसरे मेहनत कर रहे हैं आप मौज में हो अच्छा टीचर ने भक्ति की है कितने जन्म भक्ति की है इस जन्म में तो नहीं की है ना आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई है बाबा सुना दिया कौप से फिर भक्ति शुरू की किसके साथ शुरू की ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्त की है ना बाबा के इतना स्पेशल भाग्य हमारा है तो ब्रह्मा का साथ हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मा का साथ हम भक्ति शुरू भी किया कौन से मंदिर में किया तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो ना और ज्ञान मार्ग का भी आदि आत्माएं हो तो बाबा ने हमें कितना सुंदर स्मृति दिलाया है तो आदि की भक्ति में अभिविचरी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ वो सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा बाबा कहते इस सुखोदयी स्मृति में खो जाओ भक्तमाला में आप हो और निराला प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तों माला में नहीं होना डबल फॉर्नर्स भक्तमाला में थे भक्त बने या भक्त माला में थे अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे या नहीं थे हम थे या नहीं थे विजयमाला में विजय माला में भी थे भक्तमाला में भी थे क्या दोनों तो एक साथ नहीं होगा ना बाबा हमें तो जांच करने के लिए चेक करने के लिए बाबा सुंदर मौका देते हैं पुजारी तो बने हो लेकिन भक्तमाला तो में थे क्या भक्तमाला तो अलग है बच्चे आप तो ज्ञानी सो भक्त तो बने आप इस समय ज्ञानी तो आत्मा हो और द्रापर युग में आप जा के ब्रह्मा बाबा का सद भक्ति करने लगे तो वो है ही भक्त और जो नोधा भक्ति करने वाले बाबा कहते तो इसका जन्म ही हुआ भक्ति करने के लिए तो भक्त माला और ज्ञानी ज्ञानी के मालाओं का में अंतर होता है ना ज्ञानियों की माला है विजय माला और जो सिर्फ भक्त है तो ऐसे नोदा भक्त जो भक्ति के बिना और कुछ सुनना ही नहीं चाहते भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं और बाकी बात वो तो इम्पोर्टेंस नहीं देते तो भक्त माला अलग ज्ञान अलग तो बाबा ने सुंदर धारणा हमें कराते हैं भक्ति जरूर की लेकिन माला में नहीं कहेंगे क्योंकि भक्ति का पार्ट बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है बाबा कहते हैं देखो ऐसा भक्ति आपने किया तो ये नियम प्रमाण भक्ति किया नियम प्रमाण भक्ति कंप्लीट करके तो पहले पहले आपको ज्ञान मिला ब्रह्मा बाबा का साथ अपने ज्ञान मार्ग में आए तो वो नोधा भक्त है और आप नोधा ज्ञानी हो आत्मा में संस्कार का तो अंतर है आत्मा में संस्कारों का उन्हों का और आपका अंतर है रात दिन का अंतर है भक्त तो माना सदा मांगने का संस्कार होगा मैं नीच हो पापी हो छल हो कपट हो मंदिर में जाकर के आप भीख मांगते आए हो ना बाप ऊंचा है यह संस्कार तो आपका होगा भगवान ऊंचा है मंदिर में आपका भाइयों को आप भगवान बना दिया बाप बना दिया तो आपको नीचू बना दिया तो वो रॉयल भिकारी है बाबा कहते हैं जो नोधा भक्ति करने वाले मंदिर में जा कर के ऐसा भीख मांगने वाले तो वो रॉयल भिकारी है और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है आप भगवान का बच्चा हो आपको वार्थ राइट है जन्म सिद्ध अधिकार है तो ये आप और उनमें बहुत अंतर होता है इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गई समझा भक्तों को भी कोई जगाओ दो ना बाबा क्या कहते हैं भक्तों को जगा दो तो आप भी विजयमाला में आएंगे भक्तमाला में आएंगे तो उनको कहाँ मिलेगा उनको तो स्थान चाहिए ना दोनों में आप आएंगे क्या एक एक तो दो सीट पर नहीं बैठ सकते उन्हों का भी आधा कल्प है आपका भी आधा कल्प है उन्हों को उन्हों को भी गायन माला में आना ही है फिर भी दुनिया वाले से तो अच्छा है ना दुनिया वाले तो, तो बहुत तो पाप करने वाले और बाकी भक्तों तो भगवान से मांगने वाले भगवान को प्यार करने वाले और तरफ तो बुद्धि नहीं जाता है ना बाप की तरफ ही तो है शुद्ध तो रहते हैं पवित्र रहते हैं पवित्रता का फल मिलता वो गायन यज्ञ बन जाता उनका पूजा नहीं होता उनका गायन होता है आपकी पूजा होगी उनका गायन होगा इतना सुंदर विस्तार से बाबा हमें समझाते हैं उन्हों की पूजा नहीं होती सिर्फ स्टैचू बना करके रख देते हैं गायन है गायन करने के लिए मीरा की कभी मंदिर नहीं होगा देखो सारा दुनिया चक्कर लगाओ दवतों मिसल मीरा बाई का कोई पूजा नहीं होगा सिर्फ गायन होगा अभी लास्ट जन्मों में चाहे किसी की भी पूजा तो पूज लेवे चाहे धोरती को पूजा करे वृक्षों को पूजा करे मिट्टी को पूजा करे ये पेड़ पौधा को पूजा करे तो ये पानी को पूजा करे लेकिन नियम ब्राह्मण उन्हों का सिर्फ गायन होता है पूजन नहीं होता आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएँ हो ना, यो नशा सदा स्मृति में रखो ना पूज्य आत्मा कभी को कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती ऐसे पूज्य बनते हो ना अच्छा चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पराई में पास विद अनर होने वाले आत्माओं को सदा बरदानों द्वारा बरदानी बन औरों को भी बरदानी बनाने वाले आत्माओं को ऐसे बाप शिक्षक और सदगुरु के प्यारे सदा रूहानी मौज में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादाओं को भी हम बच्चों की ओर से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 बाबा समझाते हैं पंजाब और राजस्थान ग्रुप को सदा अपने को होली हॉलीह अनुभव करते हो होली होलीह अर्थात समर्तों और व्यर्थों को परखने वाले वो जो हंक्स होते हैं ना वो कंकर और रत्नों को अलग करते हैं मोती और पत्थर को अलग करते हैं लेकिन आप होली किस किसको परखने वाले हो समर्थ तो क्या है और व्यर्थो क्या है शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है जैसे हंस कभी कंकर को चुग नहीं सकता अलग करके रख देता छोड़ देगा ग्रहण नहीं करेगा तो आप क्या करोगे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो समर्थ संकल्प को धारण करते हो अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे ना व्यर्थों को अगर धारण किया तो आपको हंस कौन कहेगा वो तो बगुला धारण करते हैं तो ये छीछी धारण करते हैं बैठो तो बहुत सोना ढाई हजार साल बैठ तो सोना बोला किया लेकिन परिणाम क्या हुआ तो कंगल ही तो बन गए गवाया सब कुछ गवा दिया भगवान भी कहते हैं आप कंगल से भी कंगल बन गए हो तन भी गवा दिया देवताओं के तन देखो कितना कंचन का तन है और आपका तन देखो कितना अरोगी भोगी बन गई हो कितना अंतर हुआ ना तो जवान से भी जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं वर्तमान समय में देखो बूढ़े लोग बहुत अच्छा मजबूत है और जवान कितना तो कंगाल बन जाता है कितना बन जाता है तो तन भी गवाया मन का सुख भी शांति भी गवाया धन भी गवाया आपके पास कितना धन था पूछ रहा है सत्ययुग त्रिता में देखो आपके पास कितना अखीचर धन था अतः हो धन कहाँ गवाया बाप बच्चों से पूछेगा ना बैठ में मैं गवा दिया ना अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो जब बाबा हमें माफ कर दिया जब कहते हैं संगम आ गया मैं तुम्हें फीट से फिर से तुम्हें परिजादा बनाता हो तो ये स्वर्ग का राजा रानी बनाता हो महाराजा महारानी बनाता हो इस समय अपने आप को चेक करो इस समय क्यों गवाते हो क्या तुम कमाते हो हंस गवाने वाला नहीं जमा करने वाला अभी और जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा चेक करके देखो धन तो ऐसा होगा तो जैसे तो अभी मिट्टी है बाबा कहते हैं सतयुग में क्या होगा इसके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं तो आज की भी दुनिया में कोई लटरी मिलता है तो हम रात को रात का नींद भी हम फिटा कर देते हैं कोई हमें कुछ प्राप्ति होता है हम बहुत कुछ त्याग कर देते हैं अभी सतयुग में तुम्हें इतना कुछ मिलने वाला है अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया ना लेकिन सतीयुग में क्या होगा वह रत्नों से तो खेलेंगे रत्नों से मकान की सजावट करेंगे तो कितना जमा कर रहे हो बाबा कहते हैं तो अभी जमा करेंगे तो सतयुग में इतना आपका खोला भंडारा मिलेगा ना जिसके पास जमा होता है उसकी खुशी होती है अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है जमा होता है दिल बड़ा हो जाता है अभी कितनी बड़े दिल हो गई ना तो हर कदम में जमा का खाता बनाया जाता है या कभी कभी जमा करते हो तो अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा जाता है देखना चाहिए चेक करो और चेंज करो तो ऐसे समय पर भी कभी कभी बैठो तो नहीं चला जाता अभी तो समय की बैलू का पता पड़ गया ना संगम का एक सेकंड कितना बड़ा होता है क्योंकि बाबा कहते हैं तो कहने में तो आएगा एक दो सेकंड ही गया, लेकिन एक सेकंड कितना बड़ा है ये पाँच हज़ार कल्पों का साथ अगर तुलना करो तो यो याद रहे तो एक सेकंड भी तो नहीं बत, बिताया तो सेकंड गवाना मना वर्षों से भी वर्षों से भी ज़्यादा समय हमने बिताया एक सेकंड का इतना महत्व तो होता है इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी भी सुधारने का टाइम है मौका है तो जमा करने वाले गावाने वाले नहीं क्योंकि या तो होगा गावाना या होगा कमाना दो ही तो रास्ता है सारे कल्पों में कमाई करने का समय अभी है पाँच हज़ार साल का आपको गाड़ी चलाना है आप कितना टैंक फुल किया है या अपने आप चेक करो तो हंस अर्थात सपनों में संकल्प में भी कभी बैठो गवाएंगे नहीं इतना होशियार आपको बनना चाहिए होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकेंड में भगाने वाले इतना हिम्मत आपको चाहिए न केवल अपने के लिए बल्कि औरों के लिए भी क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन आपको करना चाहिए न बाप आपको निमित्त बनाया ब्राह्मण बनाया बच्चा बनाया दाता विधाता बरदाता का सभी वरदान आपको लुटाते हैं पवित्रता का शक्ति कितना महान है यो तो जानते हो ना बाबा इसका परिभाषा भी हमें समझाते हैं पवित्रता ऐसा अग्नि है बच्चे जो सेकेंड में विश्व की किचरे को भस्म कर सकती है संपूर्ण पवित्रता ऐसी शक्ति है अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचरा भस्म हो जाएंगे तो आपको कितना पावर जमा करना होगा योग जाला होगा अंत में ऐसे ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगा सोचा और हुआ इसको कहते हैं विहंग मर की सेवा अभी अपने में भर रहे हो फिर कर्जों में लगाएंगे तो बाबा कहते हैं इतना शक्तिशाली आपको अभी बनाना है जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं ना जाला से ओसुरों को भस्म कर दिया ओसुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया यह बहुत इंपॉर्टेंट बात योग किस समय का यादगार है अभी का ही है ना तो ऐसे ज्लामुखी बनो ना आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा तो अभी ज्लामुखी बन आशुरी संस्कार आशुरी शबाब सब कुछ भस्म करो अपने को तो तो अपने तो कर लिया है ना तो अभी से तो पक्का करो हमें ही करना है हम ही कल्प पहले किया है तो अभी इस समय भी हमें करना है अच्छा पंजाब वाले निर्भय तो बन गए ना डरने वाला तो नहीं हो ना की हो डरना क्यों बाबा हमारा शक्ति का पता कर दिया तो मरे तो परे ही हो तो फिर डरना किससे और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए बाबा कहते पक्का आप विजय मला में आने वाले हो राज्य भूल करके राजस्थान की रेती को याद तो नहीं आती राज्य तो सतयुग में मिलेगा अभी तो जो स्थूल में रहते हो वो तो रेती वाले हैं लेकिन रेती में रहते हुए आप वही सोने का राज्यों में जाएंगे वहाँ रेत बहुत होती है ना तो सदा नए राज्यों की स्मृति में रहो मैं रेती में नहीं हो, भले शरीर रेती में है लेकिन हम भविष्य में वो दुनिया में जाएंगे जमुना का कंठों में हमारा संसार होगा राज्य होगा सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो ये बहुत बड़ा काम है स्पीड से करेंगे तो पूरा होगा अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा बाबा कहते बहुत बड़ा काम मैंने दिया है प्रकृति को तो बात पीछे है प्रकृति को भी अब अच्छा बनाना है सत प्रधान बनाना है व्यक्ति आत्माओं को भी आप सत्य प्रदान बनाना है तो तेज कितना पक्का करना चाहिए गली गली में सेंटर होना चाहिए क्योंकि सरकमस्टेंस प्रमाण एक गली से दूसरे गली में आप जा नहीं पाओगे एक दो को देख भी नहीं सकोगे तो घर घर में गली गली में तो ये बाबा का घर बन जाएगा ना, अच्छा आज का वरदान है चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव इसका अर्थ तो है जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी ऐसे फॉलो फादर करो ना कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो जैसे लौकिक रीति में कोई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है यहाँ चेहरा की बात नहीं भल हम ब्रह्मा बाबा का जैसा देखने में नहीं लेकिन चलन ही हमारा चित्र है हम कैसे चलते हैं ब्रह्मा बाप समन चलते हैं ब्रह्मा बाप समन हम सोचते हैं हर चलन से बाप का अनुभव हो ब्रह्मा बाप समन पुरुषोत्तम स्थिति हो तब तो कहेंगे बाप समान आत्मा ऐसा पुरुषोत्तम स्थिति हमें बनाना चाहिए आज का स्लोगान जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है तपस्या का पाठ बाबा आज हमें बहुत पक्का कराते हैं लवलिंद स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पाठ है यह परमात्मा प्यार आनंदमय झोला है झुलते रहो इस इसी झोला में सदा झुलते रहो परमात्मा प्यार में लवलिन रहो तो कभी कोई परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती इतना गारंटी बाबा करते हैं तो आज का समान है मैं बाप समान पुरुषोत्तम आत्मा हूँ अच्छा ओम शांति